ए शिवानी बॉडी ठीक ने मेरी बॉडी ए मेरी या बॉडी या मेरी बम 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 हाँ बम बम कुल तुलसी जी है हाँ ये तुलसी का खाना कौन बनी तुम्हारो खान लो बेगी अरे बॉय ठीक छे ने दादी जी ठीक छे ने तुम ठीक छे ना हाँ ठीक छे ने दादी जी कहना वो यहाँ छे ना जो ये लोग बाहर रहते हैं ना ये सोचते हैं गांव में सब बेकूफी रहते हैं सब बेकूफी रहते सही बात है ये जो है ना प्लीज इट इज ए पॉसिबल हाँ बट नॉट इम्पॉसिबल जब हम देहरादून जाते हैं ना तो देहरादून वाले कहते हैं अरे चले गए अरे कहाँ से आए अरे ये पहाड़ से आ रखे हैं या तो बोलेंगे गढ़वाल से आ रखे हैं ऐसा नहीं सोचेंगे कि यार वास्तव में हम भी कल वहीं की पैदाइश सही बात है ये हिसाब किताब देखा मैं इन लोगों मेरा चार बच्चा छन हमारा चार ही बच्चा यही पढ़िया अच्छा सरकारी स्कूल में सेंटर सरकारी स्कूल में पढ़िया हमारा चार ही बच्चा प्राइवेट नहीं पढ़िया चारों को चारों काम यार चारों काम यार छन छोटी लड़की सब छोटी छे सभी बीएड करनी नहीं फिर भी लोग ऐसे क्यों बोलते कि मतलब जो गांव के जो स्कूल है वो कामयाब नहीं है वहाँ की पढ़ाई नहीं होती मानसिकता खराब तो जन सोच बनाने इंसान तो नहीं बोध प्राइवेट स्कूल में थीड़ी वाला अधिकारी निकल हमारे गाँव में क्या तो सीबी स्कूल में आपके मतलब गाँव में बहुत सरकारी सरकारी नौकरी वाले जा आपके गाँव में टीचर आर्मी वाल छन यख पुलिस में छन यख सब साइंटिस्ट छन यख मतलब सब सरकारी नौकरी वाले ये काफी अच्छी बात है अब हम गांव वालों तो मजबूरी हुई सरकार नौकरी वाले हुए किन चल इन लोग क्या सही बात और लोकार गांव में हम आज जो भी यंत्र देखे ना 10,000 नौकरी में बाल बच्चा बैठ से लिख रहे हैं हाँ वो बात सही है हाँ हाँ तो हेलो एवरीवन आप सब कैसे हो तो आज फिर एक नए ब्लॉग के साथ तो आज हम फिर एक नए गांव को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जिसका नाम है कीमाड़ा केमाड़ा भी काफ़ी खूबसूरत गांव है और मैं बोलने से नहीं बता सकता कितना खूबसूरत है वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कितना खूबसूरत गांव है। चलो फिर आज के ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हमारे रोड़ी से होगी जैसे हम हमेशा करते हैं। तो देख रहे हो ये केमाड़ा गाँव का गेट है और ये केमाड़ा गाँव का रास्ता है गाँव में जाने का रास्ता है। लगभग काफ़ी दूर है लगभग 100 या 150 मीटर के रेंज में ये गाँव पड़ता है रोड से। और यहाँ पर ये दुकानें हैं ठीक है यहाँ पर भी दुकानें हैं यहाँ पर आपको हॉस्पिटल दिखेगा। चलो फिर आज केमाड़ा गांव को एक्सप्लोर करते हैं यहाँ का गांव दिखाते हैं आपको और यहाँ के लोगों से बात करते हैं। रास्ता देख रहे हो काफ़ी अच्छा बनाया गया भाई गांव का। तो देख रहे हो ये मंडवा की कुठाई हो रही है भाई और बच्चे लोगों कैसे हो और जी ठीक बढ़िया क्या नाम है आपका सूती धरा पवार सूती धरा पवार अच्छा बड़े बड़े लहजे बोला तुमने। आज भी मौसम काफ़ी ख़राब है और लग रहा है बारिश होगी थोड़ी देर बाद। तो हम गांव में आ गए हैं ए बॉडी ठीक छे ए बम 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 कुल तुलसी जी है हां ये तुलसी का खाना कौन बनी तुम्हारो खान लेगी बस ए बॉय ठीक छे दादी जी ठीक छे ने तुम ठीक छे ना हां ठीक छे ने दादी जी कहना वो यहां छे ना बिरो पाल ना बिरो हैं बिरो पालियो खान बोले तो ना धुआं लगी बोले धुआं लगी थी तो हम बता धुआं बोले तो जैसे भी मचावा मचावा सूर्य वो बैं तो यार अब आर भी गानों में से सो रहे। तो देख रहे हो भाई ये संपूर्ण गांव तो गांव के बिल्कुल बीच में वहाँ आ गया हूँ देख रहे यहाँ से गांव ये क्या लगा रहा जी ये प्याज अच्छा प्याज नहीं अच्छा ये पर बीज वाला ना अटा
अच्छा प्यादा बीच नहीं, ठीक ठीक ठीक। यहाँ पर घर दाजी देख रहे हो, घर देख रहे हो आप? तो पूरे गांव दिखाने के बाद मैं यहाँ के लोगों से कुछ बातें करूँगा और यहाँ के बारे में कुछ चीज़ पूछूँगा। चलो फिर लोगों से बात करते हैं। बाहर वाले सोचते हैं कि हमें जो है बहुत बड़े आदमी, ये नहीं सोचते गांव में जो है तुमसे शौकत मांगे रहते। सही बात, झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। और जो ये लोग बाहर रहते हैं ये सोचते हैं गाँव में सभ्य खूबी रहते, सभ्य खूबी रहते। सही बात है, ये जो है ना प्लीज इट इज ए पॉसिबल बट नॉट इम्पॉसिबल। जब हम देहरादून जाते हैं तो देहरादून वाले कहते अरे चले गए, अरे कहाँ से आए, अरे ये पहाड़ से आ रखे हैं, या तो बोलेंगे गढ़वाल से आ रखे हैं। ऐसा नहीं सोचेंगे कि यार वास्तव में हम भी कल वहीं की पैदाइश। सही बात, ये हिसाब किताब देखा मैं इन लोगों मैं इस लाए आप अंदर बुरा मत माना, कोई बड़ा मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ। सही बात है आपकी, सही बात है। मैं जो है आपकी की तरह हूँ, छोटा आदमी हूँ मैं भी। सही बात है, छोटी नौकरी है मेरी पर तब थोड़ा बुरा लगता है। दो आदमी दो दिन हो गए दर्दों गए हुए, तीसरे दिन कह रहा अरे ये तो पारसा है। व्हाट इज योर सजेशन, व्हाट इज योर सिस्टम? आप ये बोलो इस समय आप देहरादून होते दिल्ली होते क्या बिना पंखे के रह सकते? सही बात, ऐसा क्लाइमेट आपको मिल पाता? सही बात है, ठीक है ना। आपको ये क्लाइमेट मिल जाता कि जो मार्च लास्ट में भी आपको जो गर्म कपड़े पहने पड़ रहे? पर तभी जब हमारा क्लाइमेट जो है हमारा कल्चरल इतना खत्म हो गया है कि जिसको लगे नीचे जाने के लिए नीचे जाने। सही बात है, बहू और बेटियां देखी हमने घर में, हम जैसे चार घंटे काम करते हैं 24 घंटे में, और जब ये बाहर जा रहे हैं माने कोठियों में प्लस कंपनियों में 12-12, 14-14 घंटे काम करें और उतना काम करने के लिए एग्री, पर घर में जो है मन दो खेत करने के लिए तैयार नहीं कोई। ये है हर पहाड़ का हिसाब, खेती बंजर क्यों इसी कारण से। सही बात है, सारे लोगों ने पलायन कर दिया। अच्छा पलायन में क्यों हुआ कि जो है कुछ तो गए सरकारी नौकरी वाले, जो जहाँ गया वही बसा। अच्छा अब धीरे धीरे क्या होगा, मैं आपको जो बोल रहा हूँ ना प्लीज इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ, जिन्होंने नौकरी की उन्होंने मकान बनाए वही बस गए, पर जब जो आगे और आज जिनकी काम की नहीं है वो सब वापस आएंगे। वापस आएंगे, सही बात है। क्यों आएंगे, बाहर खाओगे क्या? यहाँ तुम किसे मट्ठा मांग लो किसे दूध मांग लो आपका काम चले जाएगा। सही बात है, वहाँ थोड़ी नहीं चलेगा आपका काम, झूठ तो नहीं बोल रहा? नहीं नहीं सही बात है आपका। दूसरी बात है जो ये खेती बंजर है जो गाँव में गवर्नमेंट का क्या बना रखा है फ्री की राशन देना, उससे क्या हो रहा है कि जब मुझे फ्री की राशन मिल रही मैं खेती क्यों करूँ? सही बात है, जिन लोगों को फ्री की राशन मिल रही उन्होंने तो खेत बंजर रखे हुए और हम नौकरी कर रहे हैं फिर भी जो है खेत जो है चालू कर रखे। सही बात है, ये भी तो दुर्भाग्य है कि नहीं है? सही, हाँ सही बात है, झूठ तो नहीं बोलो? नहीं नहीं सही बात बोलो। ये है यहाँ का सिस्टम, यहाँ जो है मैंने ये देखा इन क्षेत्रों में या आपके रैडी हो किसी भी क्षेत्र में वही आदमी है जिस या तो जिसकी मजबूरी है, उदाहरण के लिए मैं हूँ मेरी मजबूरी है मुझे रहना ही रहने, या तो वो है यहाँ जो अयोग्य है, इसके अलावा जो है कोई नहीं है, कोई नहीं है ना। बहुत कम परिवार थे यहाँ, जय परिवार में 4 सदस्य वाला ये गाँव में ना, बहुत कम जो का जो की तो बच्चा छोटा वाला सी वाला या तो जो की नौकरी नहीं वाला सी वाला और तने सब भी भर समझे यहाँ तने हमारे गाँव में पढ़ो नाचा दियो बौड़ा नाचा दियो नाग नाचा दियो हमारे स्वयं नाचे हम ना तो हम जगी वो सी पुराण हुए पर आ रहे तो पूरा ऑल टोटल गाँव जो था भर बच सब घर यह विशेषता से अच्छा हमारे गाँव की अगर हम कह रहे ठहरा ना लेकिन घर के 3 किलोमीटर तक जब गाड़ी तो जगह नहीं मिली इतना होना मैं पूरा गाँव में तो जगह नहीं तब मिलने हमारे गाँव में
सब चीज है सुविधा च गाँव हॉस्पिटल चमू बैंक चमू पोस्ट ऑफिस हमारे गाँव में और जन वो भैर दुनिया में धनखणा छ ते चीज से तो हम हमारे गाँव में सवधानी सुविधा छे जो लो पहले लोग संघर्ष कर बोल अब तो थे लोग कना भी नहीं छे ने और फिर भी लो वो कना गए क्या अब जमीन से हमारे गाँव में तो फिर भी का बंजर पड़ी पर तभी लुआ करो गए चाहे हो ना हमारे प्याज होनु लहसुन होनी और साग सब्जी सब कुछ होना हमारा साग सवड़ा आलू फ्रांस बीन जो सब्जी हो ना सो चीज हम तो यहाँ मिल जाऊ सब धानी होना हमारे गाँव में क्या अब कह दिया कि जो नहीं करो तय कोई नहीं बोलो आता ना जो कना छ आज तक सब बोच होना क्या जान गोर बास लो भी देख हमारे गाँव में ना सब बोच भैंसा पहले तो दुई वाल तरह एक तो सब आ रहे हैं दूध से लेकर घी से लेकर बोड़ से लेकर घास न्यार हमारे गाँव में आज तक क्या जो यो संगठन लोड़ियों को क्या बेखो क्या दुख बिपता होली सभी एकता हुए जन अब लोहा भैर दान गणा छ हमारे गाँव में तो ज्यादा सरकारी नौकरी वाले लोहा जया छ भैर के ना जाने से लोग जो ज्यादा ये गवर्नमेंट सर्विस वाल छ प्राइवेट वाले तो कमे छ लोग तक मकान बनाने बच्चा पढ़ाने खोना चली गए क्या पर फिर भी आज जो घर में छ सिकाना छ क्या भैर दुनिया में सोते खाली दान गण छ और जो कुछ अपार गाँव शुद्ध पानी शुद्ध हवा च नहीं तो सभी धान क्या और यो भैर जे तो यो लोग क्या क्या करना आप संस्कृति भूलना गढ़वाल तो बना गए नहीं खाली हिंदी छ सिखा चाहे अगस्त मुन में भी समझाना पढ़ पर तो भी हिंदी छ सिखा सबसे बड़ी चीज आप संस्कृति बचाना हम लोग हम तो आप बचते ही बता चाहे तुम भैर पढ़ा भैर रखा पर बचा पर आप संस्कृति ना भूले तो गढ़वाल बन सिखाया आप रीत रिवाज अपार दियो देवता सब भी धानी सिखाए अपार बोचते ये चीज कभी ना भूले तुम है पहले लुआ छ बोण जाना छा बाज छा अब तो थे कष्ट भी नीचे तो नहीं क्या पर फिर भी ना हम लोग आज हमारे बच्चों भी करी छे क्या हमारे बच्चों भी छके काम कर पहले ना हमारे जथा भी जमीन छे हमारे बच्चों पैथर छे पहले अब तो बच्चा भैर चले ना तो अब फिर भी हम दुई छ घर में दुई बूढ़ बूढ़े छन क्या फिर भी हमारे जमीन करी छे क्या हमारे भैंसा छ दुई भैंसा छ मेरे भी क्या मेरे भी तेना यो लड़का इंजीनियर छ यो एयरफोर्स में छ यो बैंक में छ बेटी शादी हुई क्या तेना हम भी क्या जोरत छे सही बात मतलब घर से पूरा पूरा पूरे हो गया जुड़े आ छ ना जो तक वही सबसे बड़ी बात होती ना हम आप संस्कृति से आज तक रीति रिवाज से सब धर से जुड़े आ छ क्या ये हम कुछ नहीं आवे छोड़ियो मगर अगर आप भी चाहो तो आप भी कर सकते हैं जा सकते अपने नीचे बस सकते तो आराम बस ही सका क्या यूं भी चार छह महीने से रिटायर होना क्या ना जमीन लेनी हमारी हम बचो लेनी क्या पर हम भी जो तो भैर जा सका पर नहीं नहीं हमारे तन विचार कुछ नहीं हम दो बूढ़ बूढ़े छे रिटायर वाला पर घर में मकान बनाई सबसे शांति बोलते गाँव में शांति कुल मिला था हमारे गढ़वा में शांति शुद्ध हवा छ शुद्ध पानी हमारे पानी छ हमारे स्रोत एक ही मुझ एक ही पोर है मुना हर चीज सुविधा छ हमारे गाँव में यानी के चीज असुविधा हुई हर चीज मेहनत करने जरूरत मेहनत कोई कन चाहनो नहीं मेहनत लोग कंपनी मेहनत कर देला मैं यो कोई नहीं करने घर में मेहनत नहीं करने ना जो लोग आज भी घर में छन ना तो की काफी मेहनत करी या की पलतीर मुझे है ना हमारा साग सवड़ा छन ना तो फोन दिया खन तुम प्याज लहसुन लुकर पूरी वही क्या यो अब तो थे होनो भी नहीं ना प्या लाना भी नहीं लुआ घर में छन भी एक दुका छन दू दू बूढ़ बूढ़े छन तो उनका थकन पता नहीं यख क्या जो यो को कम है कम क्या जो 40-40 क्विंटल प्याज बन छो यख ना पर अब यार मैं आज बच्चा भैर चले कन हम वो छन हम कति कन सही बात है जितना कर रहे हो उतना हो रहा है जथे हम से गुंजाइश से होनो छ के ये छन हमार सा बड़ा ही देख अल्लाह यहां से हमार हां सही बात है हमारा पर साल भर तक हमारा आलू अपर जमीन पर निकल जाना भले हम ब्याह चला नहीं अब रिश्तेदार तो भी देना अब कार्य बोल हमारे तो भी निकल जाना ने सब भी धाने होना हमारे गाँव में अब जान लो आप भैर दान करना तन हम भी दान की सकत के इंटर कॉलेज ये मुझ हमारे जो पढ़ो मन सा हमारे बच्चा ये मुँह कामयाब सही और लोग चार बच्चा हमारे एक पढ़े अब लोग ये बोलते हैं कि सरकारी स्कूल में लोग पढ़ाई नहीं होती अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने काफी गांव में गया हूँ ना ये गलत बात लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे तो इंटर कॉलेज से आज बहुत बड़ी पोस्ट में पहुंच सके हैं हमारा यह सोच गलत
कि गांव का बच्चा नहीं निकलता नहीं। आज भी आज डेट में तुम चाहे भैर भी जा ये देश में कहीं भी देश में घूम जा जो बच्चा आगने वो नहीं निकल गाँव बिटिन से निकलो गाँव बिटिन निकलो यानी कि जो तो दिल्ली बम्बे पड़ी बोलते बच्चा निकल बोल सुनी निकल गाँव को बच्चा निकल गाँव का बच्चा निकला मेरे चार बच्चा छन हमारे चार ही बच्चा एक छन पढ़िया अच्छा सरकारी स्कूल में सेंटर सरकारी स्कूल में पढ़िया हमारे चार ही बच्चा प्राइवेट नहीं पढ़िया चारों को चारों काम छन छोटी लड़की सब छोटी सभी बी एड करनी फिर भी लोग ऐसे क्यों बोलते कि मतलब जो गांव के जो स्कूल है वो कामयाब नहीं है वहाँ की पढ़ाई नहीं होती मानसिकता खराब तो जन सोच बनाने इंसान तनी बोध सोच पर निर्भर तो जैसे अभी हमारे यहाँ भी बच्चा अधिकारी निकले हमारे गाँव में क्या तो सीबीई स्कूल में पढ़े अच्छा आपके मतलब गांव में बहुत सरकारी सरकारी नौकरी वाले जा हमारे गाँव में आपके गाँव में ना टीचर छन यख आर्मी वाले छन यख पुलिस में छन यख सब साइंटिस्ट छन यख मतलब सब सरकारी नौकरी वाले ये काफी अच्छी बात है एक का दुका वाले जो प्राइवेट नौकरी पर होटल लाइन में जान कोई कोई छन यख हमारे बुआर छ हमारे बुआर छ लेक्चरर न तो सीबी सरकारी में छन बुआर छोटी बुआर छ हमार मांगे से अभी बीएससी नर्सिंग का नहीं ना सभी न तो सीतेन भी घर है पड़ी तो भी आने से भी बेर पड़े हो तो उन भी गांव ही मापा तो गांव के स्कूल से पढ़े हो गांव के स्कूल भी पढ़ सभी ना सभी दानिश अब हम गांव वालों तो मजबूरी हुई सरकार नौकरी वाले हुए कि चल इन लोग क्या सही बात और लोकार गांव में हम उन आज जो भी यंत्र देखे ना 10,000 नौकरी में बाल बच्चा बेर से निकले हाँ वो बात सही है हाँ हाँ नहीं निकले ये हाँ ये बात राइट बोली आपने हाँ कोरोना टाइम पर हमारे यहाँ गाँव से हमारे गाँव यहाँ पॉजिटिव भी नहीं निकली किरा नहीं निकली कि हमारे गाँव वाला मकान छन देर दोन बनाई भैर छन बनाई तो तुम क्या और घर सही बात है लोकार गाँव में सब प्राइवेट हुआ था उसी घर दिन किन घर दिन किन तो कोरोना होने छो नहीं हो छो सही बात है और हमारे गाँव में आज डेट में भी मैंने तबाहर भी यो पॉजिटिव नहीं निकली यो आदमी भी ना तेरा टेस्ट हुआ यो तो यो भी नहीं निकल तो किला नहीं निकल किला लुआ भैर आया गई छा घर तो मकान जो प्राइवेट वाले होंगे वो ये आएंगे उस टाइम पे क्या हमारे गाँव में प्राइवेट हुआ रहे नहीं तो उनके दौर चौक सही बात है कुल मिले थे ये सही बात सही बोले आपने हाँ ये कागज पर कम है कम पर यो क्विंटल तो सुध भी रोए वाला ही अच्छा एक कागजी पा कागजी डाल पा अर्सी बांधे के नंदा सुधा ना कंटे पा हाँ समझे मतलब था इतना वेट रोंते होगा ये तेरी बनी है निमोग चारियो बड़ी बड़ी और यहाँ पपीता भी लगा रखे हैं पपीता का पेड़ और वो आलू है अमरूद अमरूद हर चीज बनी हो हर चीज ये माल्टा चे हर चीज वो प्याज हो बीज प्याज ते पर बीज हो ना प्याज हो असु बाद में बीज बहुत है ना अतः से डाल दिलोग तब भी लोग हैं बोल रहे हैं कि गोमा कुछ नहीं बन कुछ नहीं बन बाहर कहने रहो माँ आपको देर तो इनमें जाओ सेला को ही जाओ आप सेला को ही जाओ तक देखो कितनी कदा बेटी बुआ छा नौकरी करनी बार बार घंटा की काम करना घर में चार घंटा काम करना तैयार सही बात है जब हमारी बेटी जब माने मैत पर पूर काम कर दो अरे जब ससुराल जानी हम बोला ना ना हमारी बेटी कोई काम नहीं कर सही बात है हमारी बेटी काम नहीं कर कुछ कर रही अगर तुम्हारी बेटी ने कुछ नहीं कर तो पढ़ लिख दो हमारी बालिक MSc हो 4 फर्स्ट क्लास और प्लस 75 क्रॉस MSc में तक जो 80 पॉइंट कुछ हमने स्वर्यता सुबह बोली बहस को बोलता हमारी बेटी काम सब कुछ जान पर सिर्फ 3 या 3.5 घंटे से ज़्यादा काम कर नहीं सकती भाई ये स्थिति हम लोग हुई हमारे जो चाहो जो अपने दुखदायी जीवन क्या बनाए अपुच बनाए ये भैर वाला नहीं बनाए सही बात आज हमारे गाँव में कुछ परिवार इंसान जो भेर बस ओलाद कामयाब है नी अब सिखा ली घोरो कुदोल खाना कुदोल खाना आज हमने ये मकान बनाए के वजह से बनाए इतना पैसा हम तो देर दो डबल मकान बनाए दिन पर ये वजह से घर में भी रह अगर ये आप ये लगाओ कि इस मकान पे कितना लगा आप जो नई मकान बनाया ये वाला इस पे करीब 18-20 लाख अच्छा 18-20 लाख के आपने आपको ये मकान पड़ी है अगर आप देहरादून में यही मकान बनाते हो कितनी पड़ती ये ज्यादा से ज्यादा 13-14 लाख ये फिर में पड़ी देहरादून में क्या पड़ता है खाली जो है जो पत्थर पुथर लाने उसका पैसा फालतू पड़ता है हमको एक यहाँ 15 रुपये की पड़ रही देहरादून वालों को 5 रुपये में पड़ रही सही बात है ट्रैक्टर में रखो और आपका ट्रैक्टर घर में छोड़ देगा
ट्रैक्टर वाला क्या लेगा, 100 रुपया लेगा, 200 रुपया लेगा। अरे यहाँ जो ट्रक वाला जो है 18-20 हज़ार 25-30 हज़ार किराए लेगा। तो गांव कैसा लगा और यहाँ के लोग कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मैंने आपको पूरा गांव दिखा दिया गांव कैसा है और यहाँ के लोगों से बात भी करवा दी है। तो देख रहे हो आप गांव का कल्चर कुछ ऐसा है, काफ़ी अच्छा गांव है और यहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं बात करने के लिए। वैसे मैंने कहा ना पहाड़ में जितने भी गांव हैं वहाँ के सभी पहाड़ी जो लोग होते हैं उनका बोलने का तरीका काफ़ी अच्छा होता है, आपको जानते हो या ना जानते हो फिर भी आपसे काफ़ी अच्छी तरह से बात करते हैं। तो यही पहाड़ का कल्चर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं फिर अगले दिन अगले गाँव में। ओके भाई, टेक केयर।